जो अभी तक पिछले मतदान का जो अंतर रहा है वोटों का, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। अब वो इस बार कितना क्या हो सकता है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कई साल से मतलब वगैरह क्या किसानों को बोला। अच्छा हाँ, योगी कह रहे हैं हम साहब 40-50 किलो की बोरी 45 किलो में साहब हमने पैसा कम कर दिया। क्या पैसा कम कर दिया? अरे कहीं महंगा नहीं हुआ। अच्छा। आलू तो उतना ही में जाएगा। अच्छा। तो ये हो गया, ये बढ़ा दिया, इसका बजट नहीं निकल पाता है कभी कभार, तो किसान मर जाते हैं। हीरो की जो है जो जितने भी है लोन वगैरह माफ कर जाती है, अन्य लोगों को कुछ नहीं है, तो इससे पार्टी क्या। और हमारी अभी माँ बहने आराम से चली जाती, उनकी सरकार में सरेआम सारी छीना झपटी मारा पीटी सब होता था, अब आदमी शांत है। हमें तो यही चाहिए, हमारी पार्टी यही है, बहुत अच्छी पार्टी चल रही है और सबसे अच्छी पार्टी है, इसके मुकाबले कोई पार्टी ना आई और ना आ सकती है। नमस्कार, हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभास और आप हैं यूपी की मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का जब जिक्र होता है तो जिक्र होता है मुलायम परिवार के दबदबे का, समाजवादियों के दबदबे का। 1996 से लेकर 2019 तक एक भी बार यहां समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं हारी है, लेकिन इस बार लोग बता रहे हैं कि फिजा बदली हुई है, मुकाबला कांटे का है। बीजेपी ने जयवीर सिंह को उतारा है मैदान में, सपा से मौजूदा सांसद डिंपल यादव हैं और बसपा ने शिव प्रसाद यादव को उतार के मामले को त्रिकोणी बना दिया है। हमारे साथ मैनपुरी के गांव के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, प्रत्याशियों से उनकी अपेक्षाएं क्या है। अम्मा क्या नाम है आपका? अम्मा लाली देवी। थोड़ा जोर से बोलिए अम्मा। लाली देवी बह रहे हो? अच्छा नहीं, बहरे नहीं है। क्या है आपको? लाली देवी। हाँ लाली देवी, समझ गया। आप तो बहुत चुनाव देखी होंगी है ना, क्या क्या काम हुआ है यहाँ पर? अब काम तो है, करवाए सब साल के पड़े के भाई। सब साल के पड़े है। अच्छा इस बार कौन कौन है मैदान में पता है? अच्छा जो सांसद हैं यहाँ की, मुलायम की बहुरिया है, मिली है कभी डिंपल यादव? ना हम तो खुद ही नहीं। कभी आती हैं? मुलायम सिंह मिले थे। मुलायम सिंह मिले थे। अच्छा जो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत सारी योजनाएं दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं, कुछ मिलता है आपको? क्या क्या मिला है? हमें क्या कुछ नहीं मिला, झूठ नहीं बोलते। अच्छा कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं, लड़कन को मिला था। अच्छा लड़कन को मिला है? लड़कन मेरा नाम नहीं सरकार में क्यों? अच्छा आपका नाम नहीं है कहीं? बच्चों को मिला है? बच्चों को मिला राशन, राशन मिलता है। घर मिला है? घर फर कुछ नहीं। अच्छा घर नहीं मिला है। इस बार चुनाव होगा तो वोट करेंगी? तो वोट तो जारी कहूँ जा रहा। अच्छा वोट करेंगी? तो वोट करने जाती हैं तो क्या देखती हैं? देखा फोटो वोटो मिल जाती, पर्ची और फोटो पर्ची मिल जाए। नहीं नहीं, किसको वोट करना है इससे पहले कुछ सोचती हैं कि घर में लोग या गांव में लोग बता देते हैं कि इसको वोट करना है? अब देखो तो मौका आता तो वही बोल हो जाए। अच्छा अकेला तो सजा तो नहीं, अब कौन को पड़े कौन को नहीं। अच्छा ठीक है, हमारे साथ स्थानीय पत्रकार भी हैं। क्या लग रहा है, आप यहाँ लंबे समय से कवर करते हैं इस इलाके को, इस बार का मुकाबला कैसा दिख रहा है? अभी दौर शुरू हो रहा है, अब वो धीरे धीरे क्या स्थिति पहुँचती है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जो अभी तक पिछले मतदान का जो अंतर रहा है वोटों का, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। अब वो इस बार कितना क्या हो सकता है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत आप बहुत ना संदर्भों में बात कर रहे हैं, थोड़ा साफ खुल कर बताइए। आप कह रहे हैं कि जीत का अंतर समाजवादी पार्टी का 2022 में बहुत ज़्यादा रहा था उपचुनाव में, इस बार शायद अंतर कुछ कम हो। हाँ लगता है ऐसा है कि अंतर कम हो सकता है। अच्छा अंतर कम हो सकता है। चचा क्या नाम है भैया आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी 7 तारीख को वोटिंग है आपके यहाँ, ठीक है, तीनों पार्टियों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वोट करने जाएंगे तो क्या देखेंगे? क्या देंगे मतलब क्या सोच कर वोट करते हैं? मतलब पार्टी देखते हैं, उम्मीदवार देखते हैं कि किस पार्टी ने आपके लिए काम किया है वो देखते हैं, या धर्म जाति देखकर वोट करते हैं? अब देखो अच्छा मिलेगा वही काम आदमी करता है। अच्छा मिलेगा मतलब
गुंडागर्दी खत्म, समाजवादी पार्टी थी, ठीक ना, हाँ, मायावती गई थी, कांग्रेस आई, ठीक ना, अब भाजपा आई, भाजपा ने गुंडागर्दी तो खत्म करी, भाजपा ने गुंडागर्दी खत्म किया है। अच्छा ये चीज बताइए कि जो सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी योजनाओं का फायदा दिया है, तो आप लोगों को कुछ फायदा मिला है? फायदा कुछ नहीं दिया, ये मेरा खर्च करके उन्हें काया हो रहे। अच्छा आपका खर्च करके, ये दलितों का गांव है पूरा, है ना, तो ये बताइए ये खेती मेरे पैसा बाजार मिल रहा है, चावल मिल रहे, क्यों गेहूँ नहीं मिल रहा है, क्या मैटर होता है? अच्छा बाजार में चावल गेहूँ कुछ नहीं मिल रहा, आप लोगों को फ्री का जो सरकार कहती है हम फ्री का राशन दे रहे वो मिल रहा है? अभी तो बटा नहीं, मिलता तो है, मिलता है, इस महीने का नहीं बटा चुनरी, हाँ इस महीने मिला चुनरी, मिल रही बाजरा मिल रहा है, चावल मिल रहा है, पाँच दो किलो मिल रहा है, सब चीज़ मिले के, तो ये दो चीज़ें मिलना चाहिए, ये चावल है गेहूँ, अच्छा, या फिर बाजरा मिलना चाहिए, अच्छा, तो बेची आदमी कुछ चीज तो ले सकता है भाई। अच्छा वो बिनता नहीं। अच्छा खेती बाड़ी करते हैं? और घर खोद देते हैं का? अच्छा नहीं वही पूछ रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं क्या? लोग बता रहे हैं कि प्रदेश भर में ना किसानों को पशुओं की से बड़ी समस्या हो रही है, आपके गांव में भी पशुओं की समस्या, छुट्टा पशु? नहीं मेरे गांव कोई समस्या नहीं भाई, आपके गांव में कोई समस्या नहीं, कोई समस्या, पशु खा रहे अपना खा रहे, हमारा नहीं खा रहे। अच्छा चल ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? रमेश नाम है। कामेश्वर जी समाजवादी पार्टी से डिंपल मैदान में है, भाजपा ने जयवीर सिंह को उतारा है और बसपा से शिव प्रसाद यादव है, क्या दिख रहा है आपको, कैसा मुकाबला होगा इस बार 7 तारीख को? बढ़िया होगा मुकाबला, बढ़िया होगा। समाजवादी पार्टी यहां कभी नहीं हारी है, 92 में समाजवादी पार्टी बनी थी, 96 से मैनपुरी सीट पे समाजवादी पार्टी कभी हारी ही नहीं है, इस बार जो है लोग कह रहे हैं कि मुकाबला तगड़ा है। बिल्कुल तगड़ा है मुकाबला। किसके साथ आप लोग जाते हैं? अरे हम तो हमारे यहाँ का आदमी उसी साथ जाएंगे हम तो। किसके साथ? सपा की तरफ। सपा की तरफ। यहाँ लोग बता रहे थे कि ये गांव के लोग ज्यादातर मायावती जी के साथ जाते हैं। मायावती जाते हैं। अच्छा मजबूत होगा तब जाते हैं उनके साथ। अच्छा आप कह रहे कि जब मायावती मजबूत होती है तो जाते हैं, इस बार नहीं जाएंगे? अच्छा नहीं जाएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? आप तो बहुत सारा चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनाव में कुछ अलग लग रहा है? कुछ अलग लग रहा है हमें लग रहा है भाजपा को और बाको आती को। अच्छा नहीं मोदी योगी का काम काज कैसा है? मोदी को और संसद वालों को। अच्छा योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी बढ़िया कर रहा हो। बढ़िया कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ योजनाओं का फायदा मिल रहा है जिस गांव में? मैं तो जब आज है तो मिल जाए, ना आए तो का मिल जाए। अच्छा ठीक है ठीक है। आओ भाई ऐसे ही ना पूछो। मिला हो रहा हो भाई गांव का। अच्छा अरे कौन योजना फायदा नहीं मिल रहा है? अच्छा ठीक है। अरे नेता कोई नहीं हो पा रहा तो हम लोगों को कहां मिल है? अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव क्या करते हैं आप? कुछ नहीं खेतीबाड़ी और नौकरी कर रहे हैं। खेती बाड़ी और नौकरी की तैयारी? नौकरी कहाँ, वो कहाँ उम्र ही नहीं करेगी। अच्छा अब तो नौकरी तो छोड़ो जे पला ले जाओ और कहूँ डर हो जाए। अच्छा ठीक है ठीक है। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? खेती बाड़ी का अपनी मेहनत कर लियो तैसी खेती हुई जे। अच्छा यहाँ एक चीज बताइए क्या किस चीज की खेती ज्यादा होती है? यहाँ पे आलू ज्यादा होता है, आलू होता है और वो मक्का और सब्जी भी होती है। अच्छा हम बहुत सारे इलाकों में गए तो लोग कह रहे हैं कि सांड और पशु आवारा पशुओं से छुट्टा पशुओं से बहुत परेशान है। बहुत परेशान है। अच्छा तो इस बार आलू अच्छा हुआ है? आलू सही हुआ है। दाम वाम ठीक मिलता है आलू का? नहीं पूछिए आलू का होगा मेरे को। पिछले साल भी बात नहीं करे। ऐसा होता है जब रोग लग जाता है तो आलू की पैदावार कम होती तो आलू महंगा हो जाता है। आप बात हां ठीक है। आलू महंगा हो जाता है तो हम किसानों को कुछ मिल जाता है। हां और अगर ज्यादा पैदावार हो जाती है सस्ता चला जाता है। तो इस बार क्या हाल है? इस बार ठीक ठाक है। मतलब पैदावारी ज्यादा हुई है? पैदावारी तो कम हुई है तो इस बार महंगा है। तो इस बार रेट आपको ठीक मिलेंगे? ठीक। क्या क्या रेट में बेचते हैं आप लोग? मंडी जाके बेचते हैं या बिचौलिए अरहातिया ले जाते हैं गांव से? अरे वहाँ पे कोल्ड स्टोर में रख देते हैं। तो कोल्ड स्टोर में रख देते हैं और फिर सितंबर अक्टूबर में निकालते हैं। चलिए निकालना है। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ आप कुछ बता रहे थे कि इस साल तो आलू ठीक है, पिछले साल क्या गड़बड़ हुआ था? पिछले कई साल से मध्य वगैरह क्या किसानों को मिला? अच्छा योगी कह रहे हैं हम साहब 40-50 किलो की बोरी 45 किलो में साहब हमने पैसा
पैसा कम कर दिया, क्या पैसा कम कर दिया। अच्छा आप खाद की बात कर रहे हैं कि खाद का वजन घटा दिया, 50 किलो की जो बोरी होती थी उसको 45 किलो कर दिया। और पहले, अच्छा एक चीज बताइए, पहले खाद कितने में मिलती थी? खाल मिलती थी वहाँ तो 200 से ऊपर थी बस। 1200 रुपये में डीएपी थी। अच्छा अभी क्या रेट है? 1400 रुपये डीएपी 1400 कर दी और यूरिया 300 ही कर दी। ये जो 1300 रुपये में डीएपी मिलती थी वो कब मिलती थी? ये पिछली बारी में जो योगी सरकार से हो गई 2-3 के लगभग। अच्छा मतलब आप कह रहे हैं 2 साल में 150-150 रुपए डीएपी महंगा हो गया। अरे सभी चीज महंगा हो गया, एक चीज तो हुआ ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जो खाद, ये जो डीएपी यूरिया ये सब जो महंगी हुई है, उसी अनुपात में आप लोगों का जो आलू है या जो भी पैदावार करते वो महंगी हुई है क्या? अरे कहीं महंगा नहीं हुआ। अच्छा आलू तो उतना ही में जाएगा, ये हो गया ये बढ़ा दिया, इसका बजट नहीं निकल पाता है कभी कभार, तो किसान मर जाते हैं अपना। अच्छा ठीक है भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश। राकेश, राकेश जी करते क्या हैं आप? हम तो यह दुकान है हमारी, फिरोजाबाद। अच्छा फिरोजाबाद में। अच्छा गांव के रहने वाले हैं, दुकान फिरोजाबाद में। बताइए क्या इस बार का, क्या जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र है या प्रदेश में है, क्या मुद्दा दिख रहा है आपको चुनाव को? तो क्या होता है, है? कोई जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताइए फिरोजाबाद में जो दुकान है वो कैसी चल रही है, धंधा पानी कैसा? सही चल रही है, धंधा पानी अच्छा चल रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं या विपक्ष के लोग कहते हैं कि इस सरकार के आने के बाद से धंधा पानी खत्म हो गया है। ऐसा तो नहीं है, पर ये है कि महंगाई हो गई है ना, महंगाई की बदलत आदमी मारो जा, महंगाई बढ़ गई है पर धंधा पानी ठीक चल रहा है। मतलब पहले पहले दिन भर में जितने का गल्ला हो जाता था अब उतने का गल्ला हो रहा है? गल्ला है रहो पर ऐसे ही रहो। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, फिरोजाबाद का ही बता दीजिए, फिरोजाबाद में क्या क्या किनके बीच मुकाबला है? अच्छा चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम दीवान चंद। दीवान जी क्या आप तो बहुत चुनाव देखे होंगे, बहुत इसी गांव के बासिंदे हैं ना? हाँ इसी गांव के हैं। यहाँ पर सपा कभी हारी नहीं है, समाजवादी पार्टी कभी नहीं हारी है, 1992 से 1992 में पार्टी बनी, 96 से कभी हारी नहीं है। हाँ हाँ। इस बार कैसा लग रहा है चुनाव? हारेगी। क्यों हार जाएगी? क्योंकि उसकी जो है जातबंदी, जात प्रथा है उसके अंदर, सिवाय अहीरों को बढ़ावा देता दूसरों को नहीं देता वो, तो वो और इसीलिए वो हारेगा। ये आरोप तो बहुत लंबे समय से लग रहा है कि वो यादवों और मुसलमानों की पार्टी है। यही तो है ना, यहाँ अहीरों की जो है, जो जितने भी है लोन वगैरह माफ कर जाती है, अन्य लोगों को कुछ नहीं है, तो इससे पार्टी क्या। और हमारी अभी माँ बहने आराम से चली जाती, उनकी सरकार में सरेआम सारी छीना झपटी मारा पीटी सब होता था, अब आदमी शांत है। हमें तो यही चाहिए, हमारी पार्टी यही है, बहुत अच्छी पार्टी चल रही है और सबसे अच्छी पार्टी है, इसके मुकाबले कोई पार्टी ना आई और ना आ सकती है। अच्छा मोदी योगी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा हाँ, जो भी काम उसने किया आज तक, कांग्रेस रही और सपा रही बसपा रही, किसी ने नहीं करके दिखाया। क्या काम किया उन्होंने? क्यों अयोध्या बनवाया, एक वो 370 की दफा हटाई है, कौन सा काम नहीं किया, सबसे बढ़िया काम किया है। अच्छा अयोध्या और 370 से को देखकर आप लोग वोट करते हैं? बिल्कुल शांत हैं। अच्छा क्योंकि मेरा धर्म है। अच्छा हाँ, और ये तो सारे ले लूटा थे और पार्टी पैसा ले लेते, सुबह झंझट करा देते थे तो बन ही नहीं पाता था, अभी कोई झंझट नहीं हुआ और काम हो गया। इसको इसको कहते हैं पार्टी। इस आप कह रहे हैं कि भाजपा के शासनकाल में झगड़ा झंझट कम हुआ है? हाँ, चलिए ठीक है। तो ये मैनपुरी के एक गांव में हम लोग, यहाँ आपने सुना लोगों की क्या मत है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि सरकार में सुरक्षा तो बड़ी है, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हुई है, पर फसलों को लेकर लोगों में नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि पशुओं की समस्या खत्म नहीं हो रही है, खाद महंगी हो गई है, जिससे और उस हिसाब से उनके फसल की लागत नहीं मिल पा रही है उन्हें। हम इसी तरह अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, प्रत्याशियों से उनकी अपेक्षाएँ क्या हैं, और हम प्रत्याशियों से आपका सवाल भी पूछेंगे। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।